नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स क्वीज हिंदी भाषा में। आज के क्वीज का पहला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की? सही जवाब है G7। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने G7 के अन्य नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि G7 की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने उन देशों के लिए एक खुला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया है जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना चाहते हैं। अगला सवाल, 3 उच्च प्रभाव विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय दूतावास ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है? सही जवाब है नेपाल। भारत के दूतावास और नेपाल सरकार के संघीय मामलों के मंत्रालय और सामान्य प्रशासन ने 3 उच्च प्रभाव विकास परियोजनाओं यानी HICGP के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला सवाल, पॉलिसी अवधि के बाद लाइफ कवर और एक मुश्त राशि की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी ने गारंटेड फॉर्चून प्लान लॉन्च किया? सही जवाब है केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का नया गारंटेड फॉर्चून प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग स्कीम है जो पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर लाइफ कवर और एक मुश्त राशि प्रदान करती है। अगला सवाल, ग्राहकों के लिए एक विशेष एकीकृत पेशकश शुरू करने के लिए किस बीमा कंपनी ने जॉपर के साथ भागीदारी की है? सही जवाब है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस ने कहा कि उसने ग्राहकों के लिए एक विशेष एकीकृत पेशकश शुरू करने के लिए इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर API प्लेटफॉर्म जॉपर के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से ग्राहकों के पास सुरक्षा योजना खरीदने के विकल्प के साथ साथ बीमा खरीदने की पहुंच होगी। अगला सवाल, किसे 2022 मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब है KR पलानीस्वामी। वर्ल्ड गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए चेन्नई स्थित गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट KR पलानीस्वामी को 2022 मास्टर्स ऑफ द WGO पुरस्कार प्रदान किया। छठा सवाल, किस कंपनी ने भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्लेयर कार लॉन्च की? सही जवाब है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया ने दिल्ली में वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल का प्रदर्शन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में 20% इथेनॉल और 85% पेट्रोल के बीच किसी भी इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार का अनावरण किया गया। सातवां सवाल, नवंबर 2022 के लिए भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रा स्फीति क्या है? सही जवाब है 5.88%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधारित मुद्रा स्फीति नवंबर में घटकर अग्रह महीने के निचले स्तर 5.88 पर आ गई जो पिछले दिसंबर के बाद से पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक के सहिष्णुता ब्रैंड के ऊपरी सीमा के भीतर आ रही है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया? सही जवाब है गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में भाग लिया। नौवां सवाल, किसे नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? सही जवाब जोस बटलर। इंग्लैंड के T20 विश्व कप विजेता कप्तान जोस बटलर को नवंबर में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पाकिस्तान के सिदरा अमीन देश की पहली महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की लगातार दूसरी विजेता बनी। अगला और आखिरी सवाल, किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू कानून पारित किया है? सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 2025 तक धूम्रपान मुक्त होने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कदम और बढ़ाया। 13 दिसंबर को देश की संसद ने एक धूम्रपान विरोधी विधेयक पारित किया जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्वीज हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।